नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंपल और आप देख रहे हैं पालो टेक मैकेनिक ऑन मोबाइल। दोस्तों आज हमारे पास एक एक्सट्रीम गाड़ी, डबल सीटर गाड़ी आया है। इसका पूरी तरह से पेंट खराब हो चुका है और कभी जगह यहाँ पे स्क्रैच भी हो गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे वाइजर में बहुत ज्यादा स्क्रैच आ गया है, कहीं गिर गया था शायद, और टैंकी में भी बहुत ज्यादा रस्ट आ गया है। तो अभी हम इस गाड़ी को फुल रिस्टोरेशन करने वाले हैं। गाड़ी को पूरी तरह से खोलेंगे, आगे पीछे जहाँ भी जहाँ स्क्रैच हुआ है और जहाँ पे फटा कुटा, जहाँ पे फाइबर वेल्डिंग करेंगे और बाकी जो जहाँ जहाँ पे पेंट निकल गया है, सारे के सारे पेंट करके गाड़ी को फुल रिस्टोरेशन करके हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिस्टोरेशन करने का पहला प्रोसेस रहेगा, गाड़ी के जितने भी सारे पार्ट्स है, जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स और लोहे का जो पार्ट्स है जहाँ पे फटा फूटा हुआ है, जितने भी सारे पार्ट्स है सारे के सारे खोल देंगे। अभी खोलने के बाद दोस्तों अभी एक एक करके हम उसको जहाँ भी भेजना है, जिसको फाइबर रोलिंग को भेजना है और जहाँ पे कलर भेजना है, जो शोकर का काम है शोकर दुकान पे भेजना है, सारे के सारे के काम तो हमारे यहाँ पे नहीं होता है। जो भी होता है वो हम कर लेते हैं और जो नहीं होता है तो कहीं दूसरे जगह से करके ले आते हैं। तो दोस्तों तो अभी चलिए ये हमारा शुरू हो गया है अभी खोलने का प्रोसेस। तो के एक एक करके देखते हैं कौन सा पार्ट कैसे खोलते हैं। आज इस वीडियो में आपको हम स्पीड में भी नहीं दिखाएंगे और कुछ कुछ चीजें जो स्पीड में दिखाएंगे, लेकिन सारे के सारे चीज हम स्पीड में नहीं दिखाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कौन सा चीज कहाँ पे खोलना है, कैसे खोलना है और फिटिंग भी कैसे करना है। ये पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। अभी हम एक्सट्रीम का पीछे का जो सेक्शन है, बैकलाइट सेक्शन, ये वाला पूरी तरह से खोल देंगे। तो देखिए कैसे इसका जो 10 नंबर का बोल्ट है और जितने भी सारे स्टार स्क्रू थे सारे खोल के हम इसको निकाल देंगे। तो चलिए अभी इसको देखते हैं, पूरा खोल के निकाल के देखते हैं तो कैसे निकालता है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा पूरा बैकलाइट का ऊपर का कवर निकल गया और ये बैकलाइट भी निकल गया। इसके बाद हम सीट लॉक का केबल निकालेंगे, उसके बाद हेडलाइट वाइजर, और हेडलाइट वाइजर निकालने के बाद दोस्तों एक एक करके हम जितने भी सारे नट्स वगैरह है यहाँ पे तो सारे के सारे खोल देंगे। गाड़ी में कुछ रखना नहीं है क्योंकि हम गाड़ी पूरी तरह से पेंट करने वाले हैं, इसलिए हम गाड़ी में कुछ भी नहीं रखेंगे अभी। तो एक एक देखिए अभी इसका लेग गार्ड भी खुल गया। तो ये सब खोलने के बाद दोस्तों इंजन को हम लास्ट पार्ट में रखेंगे। इंजन को जब हम पूरा जितने भी सारे सामान है सब निकालने के बाद इंजन को निकालेंगे, क्योंकि इंजन बहुत हैवी चीज होती है। और ये देखिए ये हमारा कार्बोरेटर है और कार्बोरेटर भी निकल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका इंजन गार्ड है वो गार्ड को भी निकाल लेंगे। तो पूरी तरह से जितने भी था हमारा गार्ड वगैरह सारे के सारे निकल गए। अभी इसके बाद साड़ी गार्ड, जो लेडीज फुटेज भी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे लेडीज लोग पैर रख के बैठते हैं, वो वाला निकालेंगे। अभी इसको खोलने के लिए हम 12 नंबर की टी रेंज चाहिए होती है हमें, क्योंकि टी रेंज से ये खोलेगा। आप रिंग में भी खोल सकते हैं, स्पैनर में भी खोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है इसमें, और गोटी हैंडल रहेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया कंप्लीट हमारा। अभी खोलेंगे चेन पॉकेट का कवर। चेन पॉकेट का कवर अभी खोलेंगे, इसका जितने भी सारे कवर है सारे खोल देंगे अभी। और इसमें जो नट लगता है 10 नंबर का नट लगता है, और 10 नंबर टी रेंज से हम इसको खोलेंगे। अभी ये चेन पॉकेट खोलेंगे पूरा। चलो ये चेन कवर पूरा निकल गया, इसके बाद हम चेन को निकाल देंगे। चलो ये गाड़ी का साइलेंसर भी निकाल दिए। अभी इसके बाद नीचे का जो इंजन का एक गार्ड होता है लगने वाला स्टॉड, उसको भी निकाल के किक को भी निकाल लेंगे। और इसका जो इंजन ऑयल है वो पहले इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी इंजन खोलने वाले हैं हम। और इंजन जो है हम पूरा नहीं निकालेंगे इसमें, क्योंकि इंजन बहुत भारी चीज होती है, इसलिए पार्ट बाय पार्ट करके खोल के पूरा इंजन को हल्का कर लेंगे, उसके बाद इंजन को निकालेंगे। पहले इंजन में पहले क्लच सेक्शन, उसके बाद बोर पिस्टन और मैग्नेट सेक्शन जो भी है खोल देंगे। खोलने के बाद हम इंजन को निकालेंगे।
वेल अभी इंजन हमारा पूरा हल्का हो गया, जितने भी सारे ऊपर हिस्सा साइड का हिस्सा जो था क्लच बोर पिस्टन मैग्नेट ये सब हमने खोल दिया। अभी इंजन का बोल्ट निकाल के इसको निकाल देते हैं क्योंकि अभी इंजन पूरा हल्का हो चुका है। तो अभी जो जितने भी सारे इंजन का और थोड़ा जो बचा हुआ है इसको हम बाहर में लेके इसको डिसमेंटल कर सकते हैं, ये आसानी हो जाएगी। नहीं तो बाद में दिक्कत होती, अगर पहले उसको पूरा गोटा निकाल के हम करते तो दिक्कत होती, वो थोड़ा वजन में प्रॉब्लम होता। तो इसका चैम्बर का बोल्ट भी हमने पहले से इंजन जहां पे लगा था चचिस में वहीं से लूज करके निकाल लिए थे, तो ये जाम हो रहा है। तो चलिए अभी ये पूरा गियर बॉक्स निकल गया, तो आप देख सकते हैं इसका अंदर का कंडीशन कैसा है, मतलब ये पूरी तरह से खराब हो गया है। तो दोस्तों अभी हम इसको भी पूरा अच्छी तरह से डीजल मार के साफ करके फुल रिस्टोरेशन करेंगे, वो तो बाद में करेंगे। तो चलिए अभी इसका जो बॉडी का बचा कुचा पार्ट से हम निकाल लेते हैं, जैसे हैंडल और पीछे का मड़गार्ड और जितने भी सारे आगे का सेक्शन पीछे का सेक्शन है सारे के सारे निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो भी हम फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा बोर हो जाएगी। फाइनली दोस्तों हमारा गाड़ी पूरा खुल के रेडी हो चुका है और बाकी जो जितने भी पार्ट्स अभी हम खोल देंगे इसको थोड़ा थोड़ा करके। तो इसके बाद दोस्तों जहाँ जिसको जहाँ भेजना है भेज देंगे, जैसे शॉकर का काम बाहर में होता है हम वहाँ पे भेज देंगे, पेंटिंग का काम जहाँ पे होता है वहाँ पे भेज देंगे। इससे पहले भी हमने जिक्र किया है कि पेंटिंग हमारे पास नहीं होता है, हम दूसरों से करवा के लाते हैं। तो ये खोल के हम उसको भेज देंगे जहाँ भी जिसको जिधर जाना है। तो भेजने के बाद जब वो कम्प्लीट होके आएगा तब हम फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। फाइनली दोस्तों हमारे गाड़ी कलर हो गया आ चुका है और जितने भी सारे जहाँ भी जो काम था हम करवा के लेके आए। तो देखिए लाके थोड़ा वीडियो करने में दिक्कत हो गई इसलिए लॉक फिटिंग और इसका रेसर फिटिंग हम दिखा नहीं पाए, इसलिए माफी चाहते हैं। और इसके बाद जो जितने भी सारे स्पेयर है हम लगा देंगे, लगा के गाड़ी पूरा कम्प्लीट करके आपको बिफोर आफ्टर के दिखाएंगे कैसे हम इससे पहले गाड़ी कैसा था और हम बाद में करके गाड़ी को कर दिए कैसा। तो ये गाड़ी पूरा फुल रिस्टोरेशन होने वाला है दोस्तों, वीडियो में बहुत मजा आएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिए। Off the pain of misery and let you be here with me. I can't change your mind.
Set you free. I could set you free, free, free. Show you what this world can really be. Here with me, I could set you free, free, free. Off the pain and misery and let you be. Here with me. Could set you free, free, free. Show you what this world can really be. Here with me, I could set you free. Set you free.
I could set you free. Show you what this world could really be. Here with me, I could set you free. Off the pain and misery and let you be. Here with me, I could set you free. I could set you free. Show you what this world could really be. Deal with me. I could set you free. Set you free. I could set you free. Show you what this world could really be. Here with me, I could set you free. Off the pain and misery and let you be. Here with me, I could set you free. Could set you free. Show you what this world could really be. Deal with me. I could set you free. Off the pain of misery and let you be. Deal with me.
तो दोस्तों देखिए फाइनली हमारा गाड़ी बनके तैयार हो चुका है और इसमें आप बिफोर आफ्टर का भी फर्क पता चल जाएगा आपको जब मैं उसका बिफोर का फोटो शेयर करूंगा। तो देखिए अभी स्क्रीन पे आपका एक फोटो आ रहा है बिफोर का, ये पहले कैसा था और अभी कैसा है। अभी शोरूम जैसा बिल्कुल नया बना दिया हमने और इसमें खर्चा बहुत हो गया दोस्तों, इसमें 35,000 से प्लस खर्चा हो गया इसमें, क्योंकि इसका इंजन का भी काम हुआ और ये टोटल बॉडी में जितना काम था सारे के सारे काम हुए। और इंजन का जो वीडियो है मैं लास्ट में अलग तरीके से मैं आपको भेज दूंगा यूट्यूब चैनल में, तो आप मेरे चैनल में आके यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरा वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट करके बताइए आप। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह नए नए टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।